हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कैनी यूरी से मिला और उसका दोस्त बन गया, जिसके बाद कैनी भी रॉयल फैमिली के साथ ही काम करने लगा। कैनी की बहन कुचेल भूख से ही मारी गई, लेकिन अपने पीछे वो एक बच्चा छोड़ गई, जिसे कैनी ने पाला और उसे लड़ना भी सिखाया। ये बच्चा आगे चलकर ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर लिवाई बना। वहीं इधर हिस्टोरिया को भी क्वीन बना दिया जाता है। अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसका नाम है बायस्टैंडर। इस एपिसोड में हम हिस्टोरिया के राज तिलक के 2 महीने के बाद की कहानी देखते हैं। और यहाँ सीन एक फार्म का था, जहाँ हिस्टोरिया कुछ बच्चों के पीछे भाग रही थी उन्हें पकड़ने के लिए। और हिस्टोरिया को ऐसा करते एरन, आर्मिन और जीन देख रहे थे, और वो तीनों आपस में ही कुछ बात कर रहे थे कि हिस्टोरिया को 2 महीने हो गए हैं क्वीन बने हुए, और वो एक ऑर्फेनेज चला रही है। वो ये भी बताते हैं कि वहाँ के लोगों ने हिस्टोरिया को कैटल फार्मिंग गॉडेस बोलना शुरू कर दिया है, जिस पर जीन एरन को छेड़ते हुए बोलता है कि अब किसी को याद नहीं रहेगा कि ट्रोस्ट जिले के छेद को किसने बंद किया था, सब हिस्टोरिया को ही याद रखेंगे। ये सुनने के बाद एरन बोलता है कि इसीलिए तो वो क्वीन बनना चाहती थी, ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सके। हिस्टोरिया ने अंडरग्राउंड के सभी अनाथ बच्चों के लिए इस ऑर्फेनेज को खोला है। इसमें उसने लिवाई की मदद भी ली है, क्योंकि लिवाई अंडरग्राउंड में ही बड़ा हुआ था। इसके बाद हिस्टोरिया उन तीनों को वापस चलने के लिए बुलाने आती है, क्योंकि अब वहाँ अंधेरा होने वाला था। रास्ते में एरन और हिस्टोरिया बातें करते हैं। हिस्टोरिया एरन से बोलती है कि मैंने सुना तुम्हारे हार्डनिंग पावर के एक्सपेरिमेंट्स अच्छे चल रहे हैं। एरन उसे जवाब देता है कि उसे अपनी पावर के एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी पूरा करना है, कहीं वो दोनों फिर से अटैक ना कर दें। यहां एरन राइनर और बेर्थोल्ट की बात कर रहा था। हिस्टोरिया पूछती है कि अगर राइनर और बेर्थोल्ट ने फिर से उस पर हमला किया तो वो क्या करेगा, जिसके जवाब में एरन बोलता है कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। जिसके बाद वो हिस्टोरिया के उन फैसलों पर बात करने लगते हैं जो उसने अंडरग्राउंड सिटी के बच्चों के लिए लिए थे। एरन भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे बोलता है कि उसने सही किया, इसीलिए उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और उनकी बात चल ही रही थी कि वहाँ एकदम से मिकासा आ जाती है, जिसे एरन और हिस्टोरिया को साथ में देखकर थोड़ी सी जलन हो रही थी। फिर वो एरन के हाथ से सामान छीन लेती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के बीच में एरन को रेस्ट करना है, ना कि कोई काम। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं, और एरन बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अब आगे के सीन्स में हम उनकी सिटी में हुए कुछ बदलाव को देखते हैं, जिसमें वहाँ की मिलिट्री के काफी मेंबर्स को निकाला गया था, जिससे उनकी मिलिट्री काफी छोटी हो गई। वहीं इधर हांजी ने एरन की हार्डनिंग पावर से टाइटन्स के लिए एक ट्रैप बनाया, जिसमें एक सोल्जर टाइटन को ललचाता है, और जैसे ही टाइटन ट्रैप में अपनी गर्दन डालता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लकड़ी का ब्लॉक गिरा दिया जाता है। नेप पर वार होने से उस टाइटन की तुरंत मौत हो जाती है। अब टाइटन को मारने के लिए किसी भी सोल्जर को बाहर जाकर अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना पड़ेगा। इसे बनाकर हांजी काफी खुश थी, पर दूसरी तरफ एरन की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी, और लिवाई उन्हें बताता है कि बार बार एरन की हार्डनिंग पावर यूज करने से इसका एरन की बॉडी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, जिस पर हांजी उससे माफी मांगती है। पर एरन उसे एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें अभी टाइटन्स के अगले हमले से पहले अपने आप को तैयार करना था, और उन्हें जल्द से जल्द शिगानशिना जाना है। इसके बाद हम स्काउट्स को मेस हॉल में देखते हैं, जहां वो सभी खाना खा रहे थे। उन्होंने स्काउट्स रेजिमेंट में काफी नए सोल्जर्स को भर्ती किया था शिगानशिना वाले मिशन के लिए। इनमें मार्लो भी था। नई भर्ती होने की वजह से मार्लो वहां सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अब टाइटन्स को रोकने का हथियार बना लिया था। साशा मार्लो के मजे लेते हुए पूछती है कि हिच ने तो तुम्हें मना किया होगा ना, क्योंकि स्काउट्स में बहुत खतरा है। मार्लो कहता है कि हिच ने मुझे जरूर रोका था, ये कहकर कि मैं स्काउट्स ज्वाइन करने के लिए काफी कमजोर हूँ, मुझे हिच से ये उम्मीद नहीं थी। ये सुन सभी अपना सर पीटते हैं। असल में हिच को मार्लो की चिंता थी, इसीलिए वो उसे रोक रही थी, लेकिन मार्लो ये देख ही नहीं पाया। खैर, जीन सबको बताता है कि मार्लो और बाकी रिक्रूट्स के पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे सुनने के बाद दूसरे टेबल पर बैठा फ्लोच
जीन की बात को टाल देता है क्योंकि उसके अलावा और वहाँ बैठे सभी लोग नए वेपन के बनने के बाद खुश थे और जल्द से जल्द वॉल मारिया को वापस पाना चाहते थे। अब वहाँ से कॉनी भी उठकर चला जाता है ये कहकर कि उसे कल अपने विलेज जाना है। उसके जाने के बाद साशा सबसे कहती है कि क्या हम कॉनी की मदर को वापस से इंसान नहीं बना सकते, और इससे आर्मिन भी सहमत था, पर उनके पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे वो ऐसा कर सकें। अब जीन एरन को उसी आदमी को याद करने के लिए कहता है जिसे उसने उसके फादर की मेमोरी में देखा था। काफी जोर डालने पर एरन को याद आता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका ट्रेनिंग कमांडर कीथ था, और अगली सुबह सभी कीथ से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में हांजी बताती है कि आर्विन से पहले कीथ ही सर्वे कॉप्स का कमांडर हुआ करता था। वहाँ पहुँचने के बाद साशा को छोड़कर सभी चेयर पर बैठ जाते हैं। हमें पता ही है कि साशा ने ट्रेनिंग के समय कीथ को बहुत गुस्सा दिलाया था जिस कारण से साशा आज भी कीथ से डरती है। यहाँ कीथ एरन से कहता है कि वो उसकी मदर पर गया है, पर तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे पागल फादर पर गई हैं। एरन पूछता है कि वो उसके फादर के बारे में क्या जानता है। जवाब में कीथ इन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है क्योंकि वो सब कुछ तो नहीं जानता था लेकिन ग्रीषा के बारे में उसे कुछ बातें पता है। करीब 20 साल पहले ग्रीषा कीथ को वॉल्स के बाहर मिला था। उसे अपने नाम ग्रीषा येगार के अलावा और कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और वॉल्स के बाहर कैसे आया। कीथ ग्रीषा को वॉल के अंदर लाकर प्रिजन में डाल देता है क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए वॉल के बाहर जाना क्राइम था, पर ग्रीषा के नॉर्मल बिहेवियर से हैनस ने उसकी रिपोर्ट नहीं करी थी और उन्होंने ग्रीषा को आजाद कर दिया। अब ग्रीषा को अपने नाम के अलावा एक और चीज याद आती है कि वो एक डॉक्टर है, इसीलिए वो कीथ से उसे यहाँ के हॉस्पिटल में रखने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ के लोगों की हेल्प कर सके। और ग्रीषा कीथ से ये भी हेल्प मांगता है कि वो उसे वॉल्स के अंदर रहने के तरीके और सर्वे कॉप्स के बारे में भी सब कुछ बताए। इसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहाँ कीथ ग्रीषा को वॉल्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि वॉल्स के अंदर के लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। सब जानने के बाद ग्रीषा कहता है कि तुम तो महान हो जो स्काउट्स के साथ वॉल्स के बाहर जाकर अपनी जान जोखिम में डालते हो। ये सुन कीथ को काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ केरला भी उनके पास आती है और कीथ से पूछती है कि कहीं तुम इसे भी स्काउट्स में तो भर्ती नहीं करना चाहते, लेकिन ग्रीषा बोलता है कि ये उसके बस की बात नहीं है, ये काम तो बस कुछ महान लोग ही कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्रीषा और एरन की मदर केरला की पहली मुलाकात हुई थी। असल में कीथ भी केरला को मन ही मन बहुत चाहता था। वो केरला को इम्प्रेस करने के लिए स्काउट्स रेजिमेंट का कमांडर बनने का डिसाइड करता है और उसके लिए बहुत मेहनत करने लगता है। उसमें और ग्रीषा में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद शिगांचिना में एक महामारी फैल जाती है और केरला भी उसकी चपेट में आ जाती है। कीथ केरला को इलाज के लिए ग्रीषा के पास लाता है। ग्रीषा उससे वादा करता है कि वो उसके साथ सबका इलाज कर उन्हें ठीक कर देगा। इलाज के दौरान ही ग्रीषा और केरला को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ये बात कीथ भी समझ गया था। थोड़े टाइम बाद कीथ को सर्वे कॉप्स का कमांडर बना दिया जाता है, लेकिन कीथ को इससे खुशी नहीं मिलती क्योंकि दूसरी तरफ ग्रीषा और केरला शादी कर लेते हैं। अब कुछ साल बीत जाते हैं और अब मिशन में सर्वे कॉप्स के कई सारे सैनिक मारे जाने लगे। सैनिक उसकी पीठ पीछे बात करने लगे कि अगला कमांडर आर्विन को बना देना चाहिए क्योंकि उसकी स्क्वाड में कोई नहीं मरता, पर कीथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसे ही मिशन से लौटते वक्त वो रास्ते में केरला से मिलता है जिसके पास छोटा एरन था। केरला कीथ से बोलती है कि उसे रिटायर हो जाना चाहिए वरना एक दिन वो भी मारा जाएगा। इससे कीथ गुस्सा हो जाता है और केरला से कहता है कि तुम जैसे नॉर्मल लोग ये नहीं समझ सकते, तुम लोग बस जन्म लेते हो और मर जाते हो बिना कोई बदलाव लाए, महानता क्या होती है तुम नहीं समझ सकती। कुछ सालों बाद कीथ अपनी जगह एरविन को अगला कमांडर बना देता है। उसे रियलाइज हो गया था कि दुनिया में कुछ महान लोग होते हैं, बस वो उनमें से एक नहीं है। अब इसके कुछ टाइम बाद ही मारिया वॉल टूट गई और टाइटंस ने शिगांचिना पर अटैक कर दिया। कीथ और ग्रीषा भागकर रिफ्यूजी शेल्टर में जाते हैं जहां उन्हें बस एरन ही मिलता है। ग्रीषा एरन से पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ पर है। एरन उन्हें बताता है कि उसकी मदर को एक टाइटन खा गया। ये सुन ग्रीषा एरन से कहता है कि तुम्हें अपनी मदर की मौत का बदला लेना होगा एरन। इसके बाद ग्रीषा एरन को जंगल में लेकर जाने लगता है और कीथ को उनका पीछा करने के लिए मना करता है। कीथ बोलता है कि हो सकता है कि तुम स्पेशल हो लेकिन तुम्हारा बेटा स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीषा एरन को लेकर जंगल में चला जाता है। कुछ ही देर में कीथ को जंगल में लाइटिंग दिखाई देती है। जब वो उस जगह जाता है तो वहाँ उसे एरन जमीन पर पड़ा मिलता है। हम जानते ही हैं कि यहाँ ग्रीषा ने एरन को टाइटन बना दिया था ताकि वो ग्रीषा को खाकर टाइटन पावर ले ले। खैर ग्रीषा को वहाँ ना पाकर कीथ एरन को वापस रिफ्यूजी शेल्टर में ही छोड़ आता है मिकासा और आर्मिन के पास। अगली सुबह एरन जंगल वाली सारी बात भूल चुका था
और उसके गले में उनके बेसमेंट की चाबी लटक रही थी। यहाँ पर कीथ की स्टोरी खत्म हो जाती है, पर हांजी ये सुन डिसअपॉइंट थी क्योंकि कीथ ने कमांडर की पोस्ट इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वो चूजन वन नहीं था, ना कि इस रीजन से कि उसके कमांड में ना जाने कितने सोल्जर मर गए। वो कीथ को रियलिटी का सामना करने के लिए कहती है। एरन उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कीथ की बातें सही लगने लगी हैं कि मैं भी कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्पेशल इंसान का बेटा हूँ। ये सुन कीथ एरन को एक और बात बताता है कि उस दिन केरला ने मुझे जवाब में क्या कहा था। केरला कहती है कि मेरे बेटे ने अभी कोई महान काम नहीं किया है तो क्या हुआ, मुझे परवाह नहीं है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कोई महान इंसान बनेगा या नहीं, इसे किसी से भी बेहतर होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जरा इसे देखो कि ये कितना प्यारा है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा पहले से ही स्पेशल है क्योंकि वो इस दुनिया में पैदा हुआ है। फिर कीथ बताता है कि तुम वैसे ही हो जैसे तुम्हारे डैड चाहते थे, तुम्हारे अंदर भी वही आग है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग एकेडमी में देखकर ही पहचान गया था, मैं नहीं चाहता था कि तुम स्काउट बनो और बाहर जाकर मारे जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों अब हमें पता चलता है कि सीजन 1 में एरन की बेल्ट किसी और ने नहीं बल्कि कीथ ने ही खराब की थी ताकि एरन ट्रेनिंग में फेल हो जाए, लेकिन एरन ने उस टूटी बेल्ट पर भी बैलेंस बना लिया था और कीथ समझ गया है कि एरन नहीं रुकने वाला, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस एपिसोड में आपके काफी सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे कि एरन ने ग्रीशा को कब खाया और चाबी कब मिली थी। इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड की बात करें तो हमें उसी वेपन के बारे में बताया जाता है जो हांजी ने एरन की पावर से बनाया है। इसका नाम हांजी ने एग्जीक्यूशनर फ्रॉम हेल रखा है। इस वेपन की मदद से लोग 24 घंटे टाइटन्स को मार सकते हैं, वो भी अपनी जान खतरे में डाले बिना। तो दोस्तों अगले एपिसोड के साथ द रॉयल गवर्नमेंट आर्क खत्म हो जाएगा और अगले एपिसोड में पूरी स्काउट रेजिमेंट शिगांशिना के मिशन के लिए निकलेगी, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, शुक्रिया।